ड्यून जिसका पहला पार्ट हमको 2021 में देखने मिला था, कमर्शियल सक्सेस के बाद वार्नर ब्रॉस एंड लेजेंडरी इसके सेकेंड पार्ट को ग्रीन लाइट दिया और अब 2024 में इसका हमको सेकेंड पार्ट देखने मिला। हालांकि इसका सेकेंड पार्ट बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, बट राइटर और एक्टर स्ट्राइक के वजह से लेट हो गया। और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। और हाँ, मैंने इस मूवी का एक क्विक रिकैप वीडियो भी बनाया है, तो उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ड्यून 2 के अर्ली रिव्यूज जब निकल कर आए थे तो क्रिटिक्स ने इस मूवी को एक जॉ ड्रॉपिंग मास्टरपीस बोला था, जिसको मैं अपने सिनेमा वार के एपिसोड में कवर किया था, जहां हम आपको वीकली अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके एपिसोड मिस मत करना। अब बात करते हैं ड्यून 2 की, तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ड्यून 2 की स्टोरी की बात करें तो टेंशन मत लो, आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो इसकी स्टोरी वहीं शुरू होती है जहां पार्ट 1 एंड होती है। अब पॉल उस कबीले में अपना जगह बना रहा है ताकि वहां के रहने वालों के साथ वो रह सके, लेकिन वही करने के चक्कर में वो कुछ ऐसे ऐसे कारनामे कर देता है जो उनको किस्से कहानियों में उनसे कहा गया था। ऐसे सब कारनामे सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, और वो ही मसाया यानी एक मसीहा, जो उनको ये गुलामी की जिंदगी से आजादी दिलाएगा। मूवी में हमको ऑलमोस्ट 60-70% पॉल और चैनी की लव एंगल ही दिखाया जाता है, जिसको देखते टाइम मेरे दिमाग में ये बात आई कि हमको ये लव स्टोरी दिखाई क्यों जा रही है। और जब उसका पे ऑफ निकलने लगा, आई वॉज लाइक अच्छा तो इसलिए हमको ये लव एंगल दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लव एंगल कहीं से भी फोर्स फील नहीं होता और आप उनकी लव लाइफ देखने में आपको अच्छा लगेगा। एक्टिंग की बात की जाए तो सभी कास्ट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, स्पेशली एस्टिन बटलर जो इस मूवी में फेड राउता हार्कोनेन का कैरेक्टर प्ले किया है, और ये इस मूवी का एंटागनिस्ट भी है, एक साइकोपैथ कैरेक्टर है, बहुत ही रूथलेस, जो अपने ही लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर भी मार देता है। ऐसा टाइप के एंटागनिस्ट अगर मूवी में हो तो मूवी का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और जिस हिसाब से एस्टन बटलर ने एक कैरेक्टर प्ले किया है, आप सच में उसके फैन हो जाओगे। मूवी में कुछ चीजें जिसको देखकर अजीब लगता है, वो लोग किसी के आंसू का एक ड्रॉप तक वेस्ट नहीं होने देते, इवन वॉमिट को भी वो लोग वेस्ट नहीं होने देते, और वो लोग फॉरनर्स को सिर्फ एक चलता फिरता वाटर टैंक समझते हैं, जो कि एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि उनके वर्ल्ड में वाटर बहुत ही कीमती चीज है। मूवी में थोड़ा बहुत एक्शन सीन्स भी है, आपको देखने में मजा आएगा। इसके डायलॉग्स आपको कहीं से भी चीजी फील नहीं होते। इस मूवी में बीजीएम हंस जिमेर ने दिया है और सिनेमाटोग्राफी ग्रेग फ्रेजर ने। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर नेक्स्ट ईयर इन दोनों को ऑस्कर मिलेगा ड्यून 2 के लिए। तो इस मूवी को मैंने आईमैक्स में देखा और सच बोल रहा हूँ, मेरा पैसा वसूल हो गया। सो ओवरऑल ड्यून 2 एक मास्टरपीस मूवी है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने का प्लान बना रहे हो तो मूवी में एक आध किसिंग सीन्स भी है, तो अपने हिसाब से देख लेना। बट पहले ही बता देता हूँ, मूवी सबके लिए नहीं है। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया तो ही ये सेकंड पार्ट पसंद आएगा। और अगर आपने ये मूवी देखा है तो मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस ला सकूं। कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।